दर्शकों, धर्म दर्शन की इस पावन पुनीत यात्रा में मैं इंदु बंसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे दिल्ली नरेला के पास स्थित बाकनेर गांव में दादा माईवाला मंदिर के। जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगी कि दादा माईवाला के स्थान पर जो भी भक्त जन किसी भी मनोकामना को लेकर आता है, दादा माईवाला उसकी हर मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। यहाँ इस गांव के नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के विभिन्न शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो यहाँ आने के पश्चात हमें भक्तजनों से मालूम हुआ कि दादा अर्थात शिव प्रभु और माई अर्थात माँ शिवा पार्वती जी, जी हाँ, इस प्रकार यहाँ साक्षात भगवान शिव और पार्वती माँ की शक्ति विद्यमान है, जो निरंतर अपने भक्तों में उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करते हैं। दादा माई वाला नाम जीवन मंत्र है, रटियो नित्य हमेश, यही में सब रम रहे ब्रह्म विष्णु महेश। भारतवर्ष सदा ही संतों की तपोस्थली रही है। भारत भूमि की कण कण में ईश्वर निवास करते हैं। प्राणी मात्र को पग पग पर आराध्य देव अपना पावन आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मानव भौतिकतावाद में उलझकर ईश्वरीय सत्ता को भूल जाता है, लेकिन ईश्वर कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहती है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का सामर्थ्य ईश्वर व संत जनों के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। नरेला के गांव बाकनेर में दादा माई वाला दिव्य मंदिर है। यहां साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती की शक्ति विद्यमान है। भक्तों का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि यहां जो भी मनोकामना सच्चे दिल से मांगी जाती है, दादा माई वाला वो मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। भक्तजन दादा माई वाला के चरणों में हर पल यही कहते हैं, दादा आपकी शान का कैसे करूं बखान, मगन रहूं दिन रात में लेकर आपको नाम। मैं सुरेंद्र खत्री, प्रधान दादा माई वाला बाकनेर समिति का। मैं इस मंदिर से 2006 में जुड़ा था। तब यहाँ एक छोटा मंदिर हुआ करता था। सन 2006 में हमने एक समिति बनाई, गांव के बच्चों ने साथ मिलकर काम किया और आज ये भव्य मंदिर है। मैं जब भी यहाँ कुछ मांगने आता हूँ मेरे को मिलता है, और बाहर से भी आदमी आते हैं, जो एक बार यहाँ आकर मांग के चला गया उसको जरूर मिला है। मैं यहाँ पर लगभग 12-13 वर्षों से इस स्थान की सेवा कर रहा हूँ, दादा की सेवा कर रहा हूँ, और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से भगत लोग आते हैं जिनकी काफ़ी मुरादें पूरी होती हैं, और जो भी व्यक्ति भी से यहाँ पर कुछ मांग के जाता है तो उसको खाली हाथ दादा मारे ने आज तक किसी को भेजा नहीं। हर हर गंगे महादेव।
चंदन पुष्प चढ़ाने आए हैं ये भेंट प्रभु स्वीकार।